भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में विशेष न्यायिक जांच आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट अब सामने आ गई है। प्राथमिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भाजपा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या में ना तो कोई साजिश हुई है और ना ही किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भीमा मंडावी खुद अपनी सुरक्षा में लापरवाही उन्होंने बरती और उन्होंने अपने दौरे के बारे में जानकारी सुरक्षा वालों को नहीं दी। ये तमाम जानकारी न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री ने दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मामले में जांच जारी है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी कई और गवाह हैं जिनके बयान दर्ज होने हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक साफ तौर से स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब तक की जांच में यह बात जरूर सामने आई है कि भीमा मंडावी की हत्या नक्सल घटना है, इसमें किसी तरह की कोई साजिश या पुलिस की ओर से सुरक्षा में चूक की कोई बात सामने नहीं आई है। हमें इसमें भी पूरी जांच होगी, अभी तो जांच की शुरुआत है। अभी ये जो रिपोर्ट आई है हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम से, अब मैं एग्जामिन करूंगा ना, जो भी उसमें लोग जुड़े हुए थे सबको बुलाया जाएगा, सबको एग्जामिन किया जाएगा, फिर रिपोर्ट आएगी। ये हमें इसमें भी पूरी जांच होगी, अभी तो जांच की शुरुआत है। तो सरकार का साफ तौर से साथ ही कहना है कि ना कोई सुरक्षा में चूक हुई है। दरअसल भीमा मंडावी ने अपने दौरे के बारे में सुरक्षा वालों को जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते पूरा हादसा हुआ। 12 अक्टूबर को जांच होगी, अगली सुनवाई दरअसल की जाएगी। न्यायोग की प्राथमिक रिपोर्ट में फैसला हुआ है। भीमा मंडावी की हत्या का मामला दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां पर कहा गया है कि ना साजिश है ना कोई सुरक्षा में चूक है, मंडावी ने अपने दौरे के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी नहीं दी थी। बता दें भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में विशेष न्यायिक जांच आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है। प्राथमिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भाजपा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या में न तो कोई साजिश हुई है और न ही किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भीमा मंडावी खुद अपनी सुरक्षा में उन्होंने लापरवाही बरती, जिसके चलते उन्होंने अपने दौरे के बारे में जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं दी। ये तमाम जानकारी न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री ने दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मामले में जांच जारी है, अभी जांच पूरी नहीं की गई है, अभी कई और गवाह हैं जिनके बयान दर्ज होने हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक जांच की बात में जरूर सामने आया है कि भीमा मंडावी की हत्या नक्सल घटना है, जिसमें किसी तरह की कोई साजिश या पुलिस की ओर से सुरक्षा में चूक की कोई बात सामने नहीं आई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चंद सुंदरानी, हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्रीचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुराज एक्सप्रेस के इस स्टूडियो में। जी धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित शर्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रायपुर स्टूडियो से जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ उचित शर्मा बने हुए, उचित शर्मा के पास सीधे चलेंगे। उचित जी, अभी प्राथमिक तौर पे सामने आया है कि जो भीमा मंडावी थे भाजपा विधायक दंतेवाड़ा सीट से, उन्होंने अपने दौरे के बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते ये हमला हुआ। क्या प्रारंभिक रिपोर्ट में ये सब कहना सही है उचित जी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो चीज हुई है, मूवमेंट के जो हमारे पुलिस के जो मुखिया रहे हैं उनका भी जो पहला बयान जो आया था वो यही कि वो नेताओं को थोड़ा सजेशन देते हुए आए थे कि थोड़ा सा पुलिस के पास जो इनपुट मिले हैं या आर्मी का जो इनपुट थे उनके पास, तो वो ऐसे थे कि वो जो हमारे नेता है उसकी अवहेलना करते हैं। जनरली जो ताकीद या जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, जो सूचनाएं प्राप्त उनके पास सूचनाएं जो रहती है, उसके अनुसार जो उनको मूवमेंट के लिए बोलते हैं, कहे जाइए कहाँ मत जाइए जो लगाते हैं, उसको जनरली नेताओं के द्वारा उसकी अवहेलना की जाती है, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। हमेशा से ही नेता जनता के पास जाना चाहता है, उनके करीब जाना चाहता है,
लेकिन वो क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नेता उस इनपुट को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो देना चाहिए। ये पुलिस का प्रारंभिक बयान भी आया है और ये बहुत बहुत सत्य है। देखिए ये पूरे के पूरे मामले में भीमा मंडावी का जिस प्रकार से जो एक हत्या हुई है, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। नक्सल जितने माओवादी है वो पहले चुनाव से पहले उन्होंने एक पत्रकार की भी हत्या की, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक हमारे विधायक की जो हत्या की, ये वो तो दिखाना चाहते हैं कि आपका वीआईपी मूवमेंट जिस तरफ होगा हम एक मतलब उस ओर बढ़ेंगे, हिंसा की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते आए और एक मैसेज देना चाहते थे, वो उन्होंने दिया। तो इसमें कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो इस पर नजर नहीं आती। हाँ ये बात अलबत्ता जरूर नजर आती है कि ये जितने नेताओं को जो इनपुट दिए जाते हैं उसकी अवहेलना की जाती है, उनके इनपुट पे कोई भरोसा नहीं किया जाता है, उनकी बातों को इनकार कर दिया जाता है या उनकी बातों से इतर करके ही अपने क्रियाकलाप जो जो पब्लिक स्पीक है, पब्लिक स्पीकिंग है या जहां उनके जाना है वो जाते हैं, जो उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेने की जरूरत है। ठीक है, शीशन सुंदरानी भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शीशन जी, आप प्रारंभिक जांच से सहमत हैं सरकार की? हालांकि अभी और भी आगे सुनवाई होनी है, जांच अभी पूरी। देखिए जस्टिस अग्निहोत्री जी का बयान की अभी जांच शुरुआत है, अभी बहुत सारे गवाहों के बयान लेना बाकी है, जांच अभी बहुत आगे चलेगी और उन्होंने निर्णय दे दिया कि कोई साजिश नहीं है या भीमा मंडावी की चूक है, ये उन्होंने निर्णय दे दिया और उस दिन निर्णय दिया जिस दिन चुनाव के नामांकन पत्र भरे जा रहे। निश्चित रूप से ये एक मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर यह कमेटी को गोपनीयता भंग नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मेरा किसी पे आरोप नहीं, मेरा सरकार पे आरोप नहीं, मेरा किसी नेता पे आरोप नहीं, लेकिन भीमा मंडावी जी की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई ये तो सत्य है और हत्या की जांच कमेटी अगर सरकार ने बिठाई है और उस वक्त ये बयान आ रहा है जब वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है और आज के दिन जिस दिन नामांकन पत्र भरा जा रहा है और ऐसे समय में गोपनीयता भंग की जाती है, वो भी आंशिक रिपोर्ट, अभी स्वयं कह रहे जस्टिस अग्निहोत्री कि जांच अभी बहुत बाकी है, बयान अभी बहुत सारे लिए जाने बाकी है और ऐसी स्थिति में अगर ये गोपनीयता भंग की जाती है तो विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो जाता है इस जांच एजेंसी के ऊपर, जस्टिस अग्निहोत्री के ऊपर यह विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो शीशन जी मान रहे हैं कि सरकार की साजिश से नामांकन दाखिल हो रहे हैं और उसी वक्त ये प्रारंभिक जांच की बातें सामने आती हैं और ये कहा जाता है कि कोई साजिश नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पे संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे एक विधायक की हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई, नक्सलियों ने क्यों मारा, किसकी गलती थी, कैसी गलती थी, पूरी जांच में सामने आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई राजनीतिक हत्या है, संभव है कि राजनीतिक हत्या ना हो, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि वो सिर्फ एक नक्सलाइट का हमला है, संभव है, ये भी संभव है, लेकिन ऐसे समय में सरकार को आवश्यकता क्या पड़ी कि जिस दिन नामांकन भरा जा रहा है, अंतिम दिन है, उस दिन उसकी आंशिक रिपोर्ट जो अभी स्वयं जस्टिस कबूल कर रहे हैं कि जांच हुई नहीं है, जांच पूरी होने में समय लगेगा, बहुत सारे गवाहों की गवाहियां लेनी बाकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनाव को जीतना, उपचुनाव को जीतने की साजिश है और इस प्रकार की रिपोर्ट एक दिन आज के दिन प्रकाशित कराना कहीं न कहीं ये भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात की गई है भीमा मंडावी के साथ। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार पर और बाबूलाल जी और जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं श्रीचंद जी, और उच्चित शर्मा कह रहे हैं कि वो जांच से सहमत है। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर कुछ ही दिन में विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पर होने हैं, क्या लगता है आपको, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए चुनाव उपचुनाव होने ये तो सत्य है और उस दौर में ये बात का एक प्रकार से लीकेज, ये बयानबाजी आना निश्चित रूप से ये आरोप लगाने का कारण बन सकते हैं, जो आरोप अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने लगाया कि भाई ये जो है ये प्रभाव डालने के लिए उपचुनाव में ये काम किया गया है, इसमें शंका होती है और वो बात सही है। लेकिन आप देखिएगा कि जब ये घटना घटी थी उसके तत्काल बाद, तत्काल लगे लगे, कोई दिक्कत नहीं थी, हर अखबार में ये रिपोर्ट थी, जो ये रिपोर्ट इन्होंने अभी बताई है लगभग यही बात जो है स्वीकारी थी, सभी अखबारों में वहाँ के रिपोर्टरों ने भेजी थी कि भीमा मंडावी जी ने दिन भर के दौरे के बाद
बल सुरक्षा बल को ये साफ साफ कह दिया था कि अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, और जो है उसके बाद भी वो चले गए और ये घटना घटी। ये बात तो उसी दिन खुल गई थी जो बात आज जस्टिस कह रहे हैं। मतलब ये प्रारंभिक एक इशारा है कि वो जो लोगों के बयान आए थे तत्काल में जो बयान आए थे वो लगभग लगभग सत्य हैं। लेकिन ये बात इसलिए आरोप के दायरे में आती है कि एक रिपोर्ट जो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है, शासन को सौंपी नहीं गई है, उसके प्रारंभिक जांच के रिपोर्ट्स को लीक करने का या बयान देकर के बताने का कारण क्या है। तो निश्चित रूप से ये कारण बनता है आरोप लगाने का कि ये उपचुनाव है इसलिए इन्होंने जो है ये बात कह दी है, और इस बयान का प्रभाव जो है भीमा मंडावी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि सहानुभूति की जो लहर, उनकी पत्नी आज वहां पर चुनाव लड़ रही है, सहानुभूति की जो लहर है वो जो है वो कम हो जाएगी। इसका प्रयास राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने किया है, ये आरोप लगाने का कारण इनके तरफ से बना है और वही आरोप अब लग रहे हैं। निश्चित रूप से जो है कोई भी रिपोर्ट हमने आज तक जो देखी है, रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद प्रस्तुत होती है, प्रस्तुत होने के बाद सरकार उसको समझती है, समझने के बाद सरकार उसको ओके करती है, उसके बाद वो रिपोर्ट लीक होती है, बाहर आती है। इसमें ये पहले से ये कह देना, और ठीक दंतेवाड़ा का उपचुनाव होना है, भीमा मंडावी की हत्या हुई है, वो वहां के विधायक थे और भीमा मंडावी की पत्नी वहां से लड़ रही है चुनाव, इस समय में ये बात का आना निश्चित रूप से शंका पैदा करता है, इसलिए सिचन सुनारी ने इसी कारण से शंका अपनी जाहिर की है। निश्चित रूप से उचित शर्मा के पास आना चाहूंगा। उचित जी, ओजस्वी मंडावी को खड़ा किया गया है उपचुनाव के लिए दंतेवाड़ा विधानसभा की सीट से, तो आपको मानना है कि सहानुभूति की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा उपचुनाव लड़ रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जब उनके टिकट की घोषणा हुई तो ये सीधा का सीधा मैसेज क्लियर था कि एक शहीद या एक जो हमारे वर्तमान जो विधायक महोदय है उनकी पत्नी को टिकट देना सीधा कि ये इस चीज को लेके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, एक माहौल रहते हैं और एक सहानुभूति की लहर का उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। नो डाउट कोई भी पार्टी करती है, लेकिन वहीं पे ही अगर जब दूसरा पहलू देखे तो वहां पे जो देवकी कर्मा जी में खड़ी हुई है उनके पीछे वो भी एक शहीद उनकी पत्नी है जिनकी हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी, तो ये दोनों के साथ एक सहानुभूति है। हालांकि जो चुनाव में आप देखिए कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 2100-2200 वोट का फर्क था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि भूपेश सरकार का जिस तरीके से 8-9 महीने जो काब हुए और भूपेश सरकार ने जिस तरीके से एग्रेसिवली काम किया है, खासकर आदिवासी बेल्ट के लिए, आदिवासियों के लिए जो 72 लाख आदिवासी उनके लिए जो काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा, और सहानुभूति की लहर को थोड़ा सा डायल्यूट करने के लिए ये प्रारंभिक जांच जरूर लाई गई है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसका एडवांटेज मुझे कहीं नजर नहीं आता कि इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज कोई भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भूपेश सरकार ने जो 9 महीने में जो माहौल बनाया है तो निश्चित तौर पर उनके कार्यों का फल उनको उपचुनाव में मिलेगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास श्रीचंद जी। सहानुभूति की बुनियाद पर दंतेवाड़ा उपचुनाव आप लड़ रहे हैं, ओजस्वी मंडावी को खड़ा करके आपके पास और कोई कैंडिडेट नहीं है? देखिए पहले तो मैं उचित जी की बात का जवाब दे दूं। बाबूलाल शर्मा जी ने कतई नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि जो श्रीचंद सुंदरानी आरोप लगा रहे हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि उन परिस्थितियों में आरोप लग रहा है जिन परिस्थितियों में आज नामांकन का अंतिम दिन है और चुनाव हो रहा है, इसलिए तो ये तो भाजपा के लाभ को रोकने का प्रयास है ना, ये बताने का प्रयास है उचित जी कि भीमा मंडावी अपनी गलती से मारे गए, नक्सली के गलती से नहीं मारे गए, नक्सलियों ने नहीं मारा, वो भीमा मंडावी गलती नहीं करते तो आज जिंदा होते, शायद ये बताने का प्रयास जांच एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे हमेशा जीतने का प्रयास करती है। रहा सवाल सहानुभूति की बात का, तो अगर भीमा मंडावी जी की पत्नी आज चुनाव लड़ रही है तो वही महेंद्र कर्मा भी शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो भी सहानुभूति की बात अगर होगी तो दोनों के प्रति सहानुभूति की बात होनी चाहिए, कोई एक भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति लेने की बात नहीं कर रही। और मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो एक संगठित दल के रूप में काम कर रही है, महेंद्र कर्मा के परिवार में फूट है, देवकी कर्मा का बेटा कई बार उनके विरोध में के खड़ा हो जाता है, नामांकन भर देता है या उनकी खिलाफत करने लग जाता है, पिछला चुनाव भी हमने देखा है।
सर मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि ये आज की जो जांच रिपोर्ट, आंशिक जांच रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया कि भीमा मंडावी की हत्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थी, हमने कभी नहीं कहा। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने षड्यंत्र की ओर हम नहीं जा रहे, लेकिन ये षड्यंत्र तो आज किया गया है ना कि जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन होता है उस दिन आंशिक रिपोर्ट बताकर ये बताने की कोशिश की जा रही है भीमा मंडावी की। मैं आपके सवाल का जवाब, आप उसी चीज से ले लेता हूँ। कम से कम आज ये साबित हो जाता है, कि भीमा मंडावी के हत्या में षड्यंत्र था या नहीं था, लेकिन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके श्रीचंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब उचित ढंग से लूंगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रखा जा रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके सवाल का जवाब अब उचित ढंग से लूंगा। उचित जी, दंतेवाड़ा में उपचुनाव होने वाला है विधानसभा के लिए, ठीक है, और आज ही नामांकन दाखिल हो रहे हैं और आज ही जांच एजेंसी ने आंशिक रिपोर्ट पेश की है, कहीं ना कहीं सर शंका तो पैदा करता है ना, आज ही सब कुछ क्यों हुआ, इससे पहले भी हो सकता था या चुनाव के बाद हो जाता। देखिए इनके मुंह से राजनीतिक सूचिता की बात अच्छी नहीं लगती है, जहाँ पे जिस दिन फॉर्म भरने जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष को तो ये खरीद लेते हैं, इतिहास गवाह है इनके लिए। दूसरा, जिन कार्यकर्ताओं के बस पे ये बोल रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पे जीत पे आए हैं, वो दो बार का अटेम्प्ट अगर देखें तो 2008 के चुनाव, 13 के चुनाव कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये जोगी जी के बल पे जीतते आए हैं, ये बात भी सत्य है। कर्मा परिवार में फूट हो सकती है, वो सबको दिख रही है, यहाँ तो भाजपा में ही फूट है पूरे के पूरी पार्टी में। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना सर, आपको आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नामांकन दाखिल हो रहे हैं, आज ये आंशिक रिपोर्ट पेश की जाती है जांच एजेंसी के द्वारा, शंका पैदा नहीं करता जी? मैंने इसके पहले भी आपको बोला कि अगर ये ऐसी चीज अगर सामने आई है तो निश्चित तौर पे ये सही है गलत हो सकता है, ये इत्तेफाक हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये इसको अभी इंटेंसली लाया गया है, लेकिन इसका फायदा किस चीज के लिए फायदा लेंगे? क्या भूपेश सरकार को कि एक 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 सीट जीतने से लाभ और हानि का कुछ लाभ या नुकसान होने वाला है क्या? भूपेश सरकार के पास पर्याप्त सीटें हैं, उनकी सरकार सुरक्षित है, उन्हें किसी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करने का इत्तेफाक की बात कर रहे हैं आप, इत्तेफाक की बात कर रहे हैं आप, इत्तेफाक से आंशिक रिपोर्ट पेश की गई। बाबूलाल जी के पास चल देते हैं, उधर ओजस्वी मंडावी और देवती कर्मा बाबूलाल जी, सहानुभूति के बुनियाद पर दंतेवाड़ा का उपचुनाव हो रहा है लगता है आपको? देखिए, सहानुभूति की बात भीमा मंडावी के साथ बिल्कुल लगी है, क्योंकि बिल्कुल करीबी ये घटना है। महन कर्मा जी की शहीदी को समय गुजर गया है और उस लहर में एक बार वो जीत भी चुकी है देवती कर्मा। सवाल वो नहीं है, सवाल इसको आप छोड़ दीजिए। दरअसल क्या है कि जो स्थितियां जो है भूपेश बघेल के प्रभाव की हैं, जो ये आरोप लग रहा है उसके अगेंस्ट बोल रहा हूं मैं कि भूपेश बघेल अपने काम के बल पे लड़ेंगे वहां पे चुनाव। उन्होंने कहा भी है कि जमीन का जो वहां पर आदिवासी को वापस दिया गया है, धान की खरीदी है, समर्थन मूल्य 2500 किया है, बिजली बिल हाफ किया है, कर्जा माफ किया है, ये सारे बिना पर वो वहां चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसका प्रभाव होगा। अब उनको क्या जरूरत है सरकार को इस चीज के लिए कि इसको लिख के, मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बात जो है कहीं मीडिया के प्रेशर में जो है जस्टिस साहब ने इसको आरंभिक तौर पर इसलिए कह दिया होगा क्योंकि ये बात जो वो कह रहे हैं वो पहले ही लीक हो चुकी है, पहले ही बाहर आ चुकी है और उसी दिन आ चुकी है जिस दिन ये घटना घटी थी, इसलिए जो है उनको नहीं लगा होगा कि ये बात ज्यादा। लेकिन एक बात जरूर है जो चुभने वाली है, वो ये है कि आज तक हमने पत्रकारिता के रूप में जब भी कभी किसी जांच रिपोर्ट से हमने जांच अधिकारी से कभी पूछा है कि क्या स्थिति मिल रही है साहब आपको, तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड भले ही बता दिया हो लेकिन ऑन रिकॉर्ड कभी भी आज तक जो है लीकेज नहीं किया, कोई भी प्रारंभिक सूचना नहीं दी और उन्होंने कहा भी जांच चल रही है। लेकिन इन्होंने आश्चर्यजनक ढंग से जो है प्रारंभिक जानकारी देते हुए ये बताया है कि अभी जांच चल रही है, बहुत से गवाह लेने बाकी है, गवाही लेनी बाकी है। मतलब ये जो बात है थोड़ा सा आरोप लगाने का कारण इसके कारण बना है और श्रीचंद जी इसी कारण, लेकिन सरकार का इसमें कोई हाथ मुझे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वैसे ही सरकार के हाथ जो है वो ऊपर है इस वक्त में सिवाय सहानुभूति लहर के। तो कह सकते हैं ये बात सही है, आरोप लगा सकते हैं ये बात सही है, लेकिन
भूपेश बघेल की सरकार के पास में अपना जताने के लिए बहुत कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के पास में सिवाय भीमा मंडावी के सहानुभूति के अलावा दूसरा कुछ मुद्दा अभी दिखता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में है, कमजोर है और आज बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, भीमा मंडावी और सहानुभूति के अलावा शीशन जी मुद्दा नहीं है आपके पास, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे दंतेवाड़ा में सहानुभूति के बुनियाद पर? भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त मुद्दे हैं, 15 साल की शासन और ये 8 महीने में सरकार का खजाना खाली, दिवालिया पोजीशन में सरकार, विकास के काम ठप, योजनाएं ठप, चना योजना जो डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल से चला रहे थे अचानक बंद कर दिया, अब शुरू किया है इस उपचुनाव के पहले, रहा सवाल 8 महीने बनाम 15 साल पे चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम उस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कोई सहानुभूति के आधार पे नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर भूपेश बघेल जी की सरकार तो मुद्दों पे लड़िए ना सर, मुद्दों पे कहाँ लड़ रहे हैं आप, मुद्दे तो बताइए, मुद्दों पे आप लड़ी नहीं रहे, तो फिर ये क्यों, ये मैंने बताया ना 15 साल की उपलब्धियों पे हम लड़ेंगे चुनाव, हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, हमने बस्तर की तस्वीर बदलने का काम किया और 15 साल की उपलब्धियों पे, 15 साल की उपलब्धियों पे आप चुनाव लड़ते तो विधानसभा चुनाव जीत जाते, सरकार भूपेश बघेल की क्यों बनती, रमन सिंह की सरकार चौथी बार बन जाती, वो एक एक्सीडेंट था, ठीक है, वो एक एक्सीडेंट था और 3 महीने बबाद लोकसभा के चुनाव में हमने 9 सीटें जीती है साहब, कांग्रेस को धराशायी कर दिया 3 महीने में, 68 विधानसभा कांग्रेस ने जीती थी, 66 विधानसभा में हमने लोकसभा में जीत दर्ज की है 3 महीने के अंदर और ये हम चुनाव जीतेंगे, वो तो मोदी जी की क्रेडिट है ना, वो भी आप ले लेंगे, अच्छा मोदी जी की क्रेडिट, वो हमारी पार्टी के नेता है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पे हमने चुनाव लड़ा, आज भी हमारे पास मोदी जी है ना, आज भी हमारे पास मोदी जी है, अरे आदिवासियों की जमीन भी तो आप वापस नहीं कर पाए, अरे बिल्कुल हमने जमीन के फिलहाल बताइए दंतेवाड़ा सीट के लिए ओजस्वी मंडावी के, ठीक है श्रीचंद जी, दंतेवाड़ा सीट के लिए ओजस्वी मंडावी के मुद्दे क्या रहेंगे, जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि देवती कर्मा तो 2100 वोटों से हार गई थी, हमने आदिवासियों के लिए काम किया है, हमने आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है, हमने बस्तर के लिए काम किया है, हमने नक्सलाइट पे नकेल कसने का काम किया है, आपने काम किया है और आगे का क्या काम करेंगे, आगे का क्या करेंगे, सड़कों का निर्माण कराया है, हम आप जाएंगे, हम सकारात्मक मुद्दे पे जाएंगे और हम सीट को जीत के आपको आपके सामने बैठेंगे, ठीक है, जांच में ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही, भूपेश सरकार से मांग करेंगे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए जांच में, भीमा मंडावी की मौत के मामले में, देखिए मैं जांच पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, जांच को लीक करने पे प्रश्न उठा रहा हूँ, मैंने कोई सरकार पे आरोप नहीं लगाया, मैंने कोई राजनीतिक तो प्राइवेसी की मांग करेंगे, प्राइवेसी की मांग करेंगे वो सरकार से दिखता है, प्राइवेसी की मांग करेंगे, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि पूरी जांच रिपोर्ट की बिल्कुल प्राइवेसी रखी जाए, यह गोपनीयता भंग नहीं होना चाहिए, वो गोपनीयता भंग की गए इससे इनको नुकसान होगा, जनता में हम जाके इस बात को बताएंगे कि क्यों इस प्रकार का काम किया है, आज क्यों इस आंशिक रिपोर्ट को सामने लाया, हम जनता के बीच में जाके बोलेंगे, ठीक है, अंतिम प्रक्रिया उचित शर्मा जी सर आपकी, समय का अभाव है, जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी दीजिए, बोलो बोलो जी, प्रतिक्रिया अंतिम प्रतिक्रिया, नहीं देखिए ये जो मामला है टोटल जो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यहां से, तो इसे मैंने पहले भी कह चुका है ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, और जो बातें जांच रिपोर्ट में आई है वो बातें पहले भी मीडिया में आ चुकी है, पेपर के माध्यम से आ चुकी है, टीवी चैनलों के माध्यम से आ चुकी है, और बात वो पुलिस के अपने वक्तव्य में भी आ चुकी है, तो ऐसी कोई अनोखी चीज उन्होंने रिपोर्ट में नहीं आई है जिससे कोई जांच खुल गई हो या जांच का कोई एडवांटेज कांग्रेस सरकार ले रही हो, ये जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया वो बिल्कुल क्लियर है, जो प्रारंभिक जांच में आया वो चीज तो हम सब चीज जानते हैं, ऐसी कौन सी चीज जानते हैं, आज क्यों जरूरत पड़ी, आज क्यों जरूरत पड़ी सार्वजनिक करने की, बात तो जो पेपरों में आई वो आज क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी,
आज क्यों बुला बुला के मीडिया वालों को ये कहना पड़ा कि ये आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आप दोनों लड़िए मत, भाई साहब इनकी सुन लीजिए, जनता इनकी सुनती नहीं है, कम से कम चैनल के माध्यम से इनकी बात एक अंतिम प्रतिक्रिया ये तो साबित करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया बाबूलाल जी से ले लेते हैं, भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बाबूलाल जी आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। मैंने जो बातें कही उसमें मेरी सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो जनता के बीच में जो चर्चा है उसके आधार पर आ चुकी हैं। मैं तो अभी एक इनको बधाई देना चाहता हूँ सज्जन सुरेश।